नमस्कार दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं राजेंद्र नगर के रोड नंबर 2 में मौजूद हूं और कुछ हॉस्टल के यहां पे छात्र हैं जो इस पानी में फंसे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की परेशानी हो रही है। क्या नाम है? क्या नाम? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। और पानी लग गया आपके इलाके में फिर से? जी हाँ जी हाँ। हम लोगों को कोचिंग और लाइब्रेरी जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है और बगल में दुकानें हैं जो वहाँ पे भी नहीं जा रहे हैं हम लोग, और बहुत सारी दिक्कतों का हम लोग सामना कर रहे हैं। कितने छात्र हैं यहाँ पे? यहाँ पे 40 छात्र हैं। 40 छात्र? 40 बगल। डर लग रहा है इस पानी में आप लोग? जी हाँ जी हाँ। लग रहा है कि एक बार फिर से ये इलाका डूब जाएगा? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पूरा कहाँ के रहने वाले हैं? नारदीगंज नवादा। यहाँ पे पढ़ते हैं? यस सर। किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी यहाँ बहुत सारी है, पूरा डूब चुका है और ड्रेनेज सिस्टम भी मैंने सरकार का पूरा खराब है। अभी रात से 24 घंटे की बारिश में ये स्थिति। हाँ, और रात से ही पानी खत्म ही नहीं हो रहा जितना उतना ही है। नालों का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आप नाला जाके देखिए, नॉर्मल दिन में ही अगर 2 मिनट के लिए बारिश हो भर जाता है तो पिछले रात से हो रही है। पानी पता नहीं कब निकलेगा, 10 दिन 15 दिन कब निकलेगा, कोई आइडिया नहीं। का नाम भी नहीं ले रही, जितना है पहले से उतना ही है अभी तक। और बीच बीच में वो भी निकाल दिया गया है चैम्बर। हाँ। क्या नाम है सर आपका? फिर से आपके इलाके में पानी लग गया? मेरे लाइब्रेरी के सामने पिछले 3 दिन से गड्ढा खुला हुआ था, उसी में गिर गया था। गिर गया वहाँ पे चैम्बर बहुत सारा बड़ा सा। खाना वगैरह आप लोग बना लिए? नहीं, दिन के बाद गैस भी खत्म होगा तो दिक्कत भी गैस की भी है, होने वाली है ना। 1 दिन का 4 घंटे का बारिश में ये हाल है। अगर सुनते हैं कि 3 दिन तक यही हाल होने वाला है, लोग 3 दिन तक रवाना होंगे, अगर घर जाने की तैयारी करेंगे लोग। रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, जाने में कैसे निकलेंगे आप ही बताइए। फिर से रेस्क्यू होना पड़ेगा। नाव प्रशासन हमारे लिए नाव चलवाए यहाँ पे, देखिए यहीं से पानी है। बाहर रोड में तो डूब जाएंगे, मेरे सर के बराबर पानी आ जाएगा वहाँ तो। अगर अभी ऐसे ही 2 घंटा बरसता रहा तो अभी ठेहुना से ऊपर तक पानी है। तो देखिए, इस वक्त मैं राजेंद्र नगर मैं हूँ और ये रोड नंबर 2 है, और देख सकते हैं घरों के अंदर तक अब पानी दस्तक दे रहा है। जो हॉस्टल के छात्र हैं वो काफ़ी परेशान हैं, इन्हें डर सताने लगा है कि आखिर इस पानी में कैसे निकलकर बाहर जाएंगे, और ज़्यादा पानी होगा तो कैसे अपने घर के लिए रुख करेंगे। यानी सबको अब डर सताने लगा है इस पानी को देखकर। छात्र ये कह रहे हैं कि मैं 24 घंटे की बारिश में ये स्थिति है, तो अगर लगातार 2-3 दिनों तक बारिश होगी तो फिर हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करना पड़ेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।